सो हे एवरीवन, आज इस कहानी को मैं एक्सप्लेन करूंगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप कहोगे कैसे? इसमें हम मिस्ट्री, रोमांस, थ्रिलर सब कुछ देखेंगे। मैं आपको पहले ही नहीं कुछ बता सकता क्योंकि इसमें कई सारी मिस्ट्रीज हैं। सो वेलकम टू द मेमोरीज ऑफ अलम्ब्रा। कहानी की शुरुआत स्पेन से हुई। सीजो काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसने किसी को फोन करके ग्रेनाडा के अंदर हॉस्टल बोनिटा में उसका इंतजार करने के लिए कहा। ये कहते ही वो किसी को देख जल्दी से भाग निकला ग्रेनाडा की ट्रेन पकड़ने। हमें इतना डर तभी लगता है जब कोई हमारा पीछा करता हो। सुबह सुबह ट्रेन ग्रेनाडा स्टेशन लगभग पहुंच ही चुकी थी। एक सेकंड में बारिश शुरू हुई, बादल गरजने लगे एंड बैकग्राउंड में ये अजीब सा म्यूजिक शुरू हुआ जो आप अभी सुन रहे हो, इसलिए हेडफोन जरूर पहनो। सीजो ने डोर ओपन करते एक अनजान शख्स ने उसे 3 गोलियां मारी। अब सवाल आया, ये 1 सेकंड में बारिश बादल कहाँ से आए? उस शख्स ने सीजो को 3 गोलियां मारने के बाद भी ट्रेन में कोई क्यों नहीं आया? ये छोड़ो, उसका पार्टनर तक उठा नहीं, क्या हो गई है? दूसरे यहाँ हम मिले हीजो से, जो कोरियन हॉस्टल को ग्रेनाडा में रन करती। पता नहीं इतनी रात दरवाजे पर कौन आया। बाहर जिनवू नाम का कस्टमर को एक रूम चाहिए थी, लेकिन यहाँ सिंगल रूम तो नहीं मिलती, मोस्टली यहाँ सारे लोग कंबाइन ही रहते हैं। हीजो ने उसे कहा एक रूम है 6th फ्लोर पर, जिनवू को चलेगी, लेकिन उसे क्या पता वहाँ कोई एलिवेटर नहीं। फिर भी बेचारा कैसे ना कैसे ऊपर पहुंचा। अरे रुको रुको, स्ट्रगल यहाँ नहीं खत्म हुआ। रूम की हालत बिल्कुल स्टोर रूम की तरह थी। हीजो को समझ नहीं आ रहा, इतना वेल्दी इंसान जिसके पास सारी ब्रांडेड चीजें थी वो यहाँ क्यों आएगा? ग्रैनी ने कहा वो अमीर हो ही नहीं सकता, नहीं तो वो यहाँ क्यों आता? रूम में टॉयलेट साफ करते हुए उसने अपने सेक्रेटरी जुंगहो को कॉल किया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे, फ्लाइट की टिकट उन्हें खुद बुक करने के बाद यहाँ आकर टॉयलेट साफ करना पड़ रहा है, और उसका सेक्रेटरी बार्सिलोना में ड्रंक होकर अभी उठा। जिनवो ने उसे अपना रेजिग्नेशन भेजने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद उनका ही फोन आया कि तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। जिनवो बेचारा वहाँ ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। हीजो की बहन मिंजो आ गई अपने डांस प्रैक्टिस करने। उसे इधर से मार उधर से मार पड़ रही। युनजो ने उसे मैसेज किया, ये हो चुका सर, प्लीज चेक। वो ये देखते जल्दी से निकल पड़ा। कहानी की सारी कड़ियां अभी जुड़ेगी। कई सारे लोग ग्रेनाडा में अलम्ब्रा को देखने आते, लेकिन जिनवू यहाँ आया इससे भी मैजिकल चीज को देखने। जिनवू के सामने अलम्ब्रा पैलेस में आग लग चुकी थी। एक बड़ा सा पत्थर उसके पास आकर गिरा। उसने देखा घोड़े पर एक वॉरियर तीरों से घायल उसके पास आकर गिर गया। उतने में ही स्टैचू में का वॉरियर जिंदा होकर उस पर हमला करता है। यहाँ जिनवू की आंखों में लगी हुई लेंस में दिखाया गया कि वो वॉरियर किंगडम से हार चुका। ये होते उसका खून, आजू बाजू की सारी चीजें ऑटोमेटिकली गायब हो गई। युनजो कोरिया से ये सब लेंस की मदद से देख रहा था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे, ये क्या चल रहा? जिनवू कोई आम आदमी नहीं, वो दुनिया की बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी J1 का CEO है, जो अपना स्मार्ट लेंस प्रोजेक्ट जल्दी ही लॉन्च करने वाले है। युनजो उसकी कंपनी का जीनियस गेम डेवलपर। वो दोनों इस गेम को देख हैरान थे, स्पेशली जिनवो। एक्सपीरियंस ऐसा था जैसे सच में ये इवेंट्स हुए हो। आखिर ये गेम बनाया किसने और ये उस तक कैसे पहुंचा? इसके लिए हमें 4 घंटे पहले जाना पड़ेगा। सीजो ने जिस अनजान शख्स को फोन किया वो जिनवो था। अधूरी बात होने की वजह से उसे लगा सीजो कोई आम डेवलपर होगा। फिर उसके माइंड में एक बात क्लिक हुई, सीईओ चाई युनसियोक ने उसे 10 ट्रिलियन वॉन इस प्रोजेक्ट के लिए ऑफर किए, लेकिन सीजो को ये प्रोजेक्ट उन्हें नहीं देना। सीजो से एक ईमेल रिसीव हुआ, मेमोरीज ऑफ द अलम्ब्रा, जिसे देख उसके होश उड़ गए। उसने सबसे पहले मिस्टीरियस मिस्टर ए को कॉल किया, मिस्टर युनसियोक की लोकेशन पता लगाने। मिस्टर युनसियोक 2 दिनों से अपना पूरा स्केड्यूल कैंसिल करके कहीं चले गए हैं। दूसरी उन्हें सीजो की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। बाय द वे, उन्हें अभी तक सीजो का नाम पता नहीं। ये प्रोजेक्ट जिनवो ऐसे ही अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, इसलिए वो रात में ग्रेनाडा के लिए निकल गया। दूसरे यहाँ कोरिया में सुनहो आए, कंपनी के सेकेंड बिगेस्ट शेयर होल्डर
एंड उसके फ्रेंड, वो भी शॉक हो गए इस गेम को देख। जिनवू को आगे बढ़ने के लिए गेम को खेल लेवल अप करना होगा। लॉग इन, लेकिन सर्वर बिजी है। गेम में उसे लेवल 1 वेपन का लोकेशन आया। विदाउट वेपन जिनवू वॉरियर को हरा भी नहीं पाएगा। लोकेशन 230 मीटर दूर एक रेस्टोरेंट में वॉशरूम के अंदर। कितनी अजीब जगह चुनी एक वेपन को रखने। वहां लीवर खींचते ऊपर से एक जंग लगी हुई तलवार जिनवू को मिले। गेम शुरू हुआ। पहले इसमें वो एक सेकंड में हार गया, दूसरे इसमें तलवार टूट गई। यहाँ हमें दो चीजें पता चली, सिर्फ वेपन से कुछ नहीं होता, उसे प्रैक्टिस भी करनी होगी। दूसरी चीज, तलवार टूटने के बाद उसे वही रेस्टोरेंट में वापस जाना पड़ेगा जिन वो रात भर रेस्टोरेंट जाता तलवार लाने के लिए, और फिर से हार जाता। ऐसे करते करते उसने पूरी रात लगाई। फाइनली सुबह उसने उस वॉरियर को हरा ही दिया। उसे रियलाइज हुआ इससे तो वो पूरा गेमिंग फ्यूचर ही बदल देगा। अब सवाल आया, सीजोक ने यूनसो के साथ डील तो सही नहीं करती। मिस्टर ए का जिनवू को कॉल आया। उन्हें यूनसो की लोकेशन पता नहीं चली, लेकिन ए ने सीजो की सारी जानकारी निकाल ली थी। इसी बीच एक लड़के ने उसे नूडल्स देखने के लिए कहा था, बट फोन पर बात करने की वजह से वो जेल गए और अलार्म एक्टिवेट हो गया। हिजो से अलार्म जल्दी से बंद नहीं हुआ, इसलिए उसने चिल्लाकर बात की। हिजो ने कहा, तुम ही तो किचन में थे। ये सुनते जिनवू ने कहा, मैं चिल्ला इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम ही सड़े हुए जगह की ओनर हो। उसने गुस्से में कुछ ऐसी ऐसी बातें कर दी कि मैं क्या ही बताऊं। ये बात तो ऐसी हो गई, चोर उल्टा कोतवाल को ही डांटे। बिचारी ये सुनकर वही रोने लगी। मिस्टर ए ने फिर से उसे कॉल किया। उन्होंने कहा, सीजो 17 साल का अंडर एज लड़का है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता विदाउट किसी लीगल गार्डियन के। उसके मॉम डैड तो पहले ही गुजर चुके, उसके लीगल गार्डियन है उसकी सिस्टर, नाम जुंग ही जो, हॉस्टल बोनाटा की ओनर। वाओ, क्या ही ट्विस्ट आया। नहीं समझे, ही जो सीजो की बड़ी बहन है जिसे उसने अभी खरी खोटी सुनाकर रुलाया। उसे क्या पता वो आने वाले फ्यूचर की ताले की चाबी है। एपिसोड यही खत्म होने से हमारे मन में कई सारे सवाल रह गए, जैसे कौन है ये सीईओ यूनसियोक, सीजो के साथ क्या हुआ, क्या थी वो बारिश, कौन था वो जिसने उसका मर्डर किया, उस रात क्या हुआ, आगे क्या होगा। ऐसे ही कई सारे सवाल धीरे धीरे एक एक एपिसोड में आपको पता ही चलेंगे। सो ये था पहला एपिसोड मेमोरीज ऑफ द अलहमरा का। सारे एपिसोड जल्दी जल्दी ही आएंगे, बस इंतजार करो, आगे तो बहुत सारी मिस्ट्रीज रोमांस बाकी है। सो बाय बाय।